कंगन देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, साथ ही साथ इसकी सुंदरता भी बहुत लुभाती है। एक तरह से देखा जाए तो इन कंगन का क्रेज विदेश तक है। कंगन को कैसे तैयार किया जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। चुरू में सालों से लाख के चूड़े बनाने का काम कर रहा गोरी का परिवार बताता है कि इसके लिए पहले वे कच्चा लाख खरीदते हैं और उसको एक लकड़ी के डंडे की मदद से गर्म कोयले की आंच पर उसकी बेलाई करते हैं। फिर बेलाई के साथ उस पर रंग देने के लिए बट्टी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद उस पर रंग चढ़ा देते हैं। बाद में कंगन की आकृति को काट कर उसमें गोल आकृति का तार डाला जाता है और गर्म आंच पर उसे लकड़ी से बने डंडे की मदद से गोल दी जाती है। ऐसे तैयार होता है एक कंगन। मौ शरीफ बताते हैं कि उन्हें ये काम विरासत में मिला है। शरीफ बताते हैं कि उनके द्वारा दिल्ली, जयपुर और मुंबई से कच्चा लाख और मटीरियल खरीदा जाता है और फिर यहाँ डिमांड के हिसाब से लाख के चूड़े बनाए जाते हैं। शरीफ बताते हैं कि उनके यहाँ दर्जनों प्रकार की रंगीले लाख के चूड़े बनाए जाते हैं, जिन्हें खरीदने वाले देशी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी हैं, जो उनके इस हस्तकला के मुरीद हैं। लाख के चूड़ा काम आरो पूछते नहीं करो काम है। मैंने खाना भी कर मनियार भी कर लाख की चूड़ी बनाने वाले को मनियार और तो विशेषता लाख की चूड़ियों की शादी ब्याह मीननी जब आती है तो पहला श्रृंगार करने के बाद में पहला काम ब्राह्मण की पूजा पाठ होती है, दूसरा लाख की चूड़ियों की होती है। ठीक है, सावन के अंदर लाख की चूड़ियों की डहरिए की चूड़ियाँ सावन लगते ही लाल हरा लाल पीला लाल गोल्डन ऐसे जितने भी हैं 15-20 कलर हैं वो बनते हैं। वो लहर आ जाती है उसमें अलग अलग डिजाइन की, तो ये मतलब सीजन की होती है। और वैसे प्लेन चूड़ियाँ चलती है और घर के अंदर जो पुरानी औरतें होती है वो टाइम पे याद दिलाती है औरतों को कि ये सावन है